मुंबई के कुर्ला इलाके में बीते सोमवार को रात एक 4 मंजिला मकान के ढहने से महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के 5 गांव के निवासी 8 युवकों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक परिवारों को 2-2 लाख एवं घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। वहीं आज जिला प्रशासन की तरफ से DM एवं स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख के चेक वितरित कर सरकार एवं प्रशासन द्वारा अन्य सहायता व सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। चेक वितरित कार्यक्रम के बाद स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ है। मुंबई में हुई घटना बेहद दर्दनाक है, जिसमें गरीब परिवारों के 8 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को सहायता देने का आश्वासन दिया। उसी के तहत आज पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख का चेक वितरित किया गया है एवं घायलों को 50 हजार की धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन एवं सरकार द्वारा जो भी संभव हो सकेगा पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जाएगी। हमारे नौतनवा विधानसभा के धोतियावा, संपतिया, कजरी, हनुमानगढ़िया, इन सब के यहाँ के रहने वाले कुछ लोग जो मुंबई के कुर्ला में रह के अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, वहाँ पे जिस इमारत में ये लोग रह रहे थे उसके ढह जाने से एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी और यहाँ नौतनवा विधानसभा के 8 लोगों की मृत्यु हो गई। उसी के क्रम में हम आए थे, जैसे ही सूचना हम लोगों को पता चली थी 2 दिन पहले, तो जो संभव मदद हो सकता था वो हम लोगों ने प्रयास किया था, हमने और हमारे सांसद माननीय पंकज चौधरी जी ने मुंबई बात करके, और 2 दिन पूर्व मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी से मिला था और पूरी जानकारी दी थी, उन्हें जानकारी हो भी चुकी थी और हमने आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिसका तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए मृतकों को 2-2 लाख रुपए और जिनको जो दुर्घटना हुई है और जो जिनको चोट आई है या किसी भी तरह से कोई दिक्कत है उन्हें 50 हजार रुपये का आर्थिक सहायता देने का उन्होंने आदेश दिया था। उसी क्रम में आज हम लोग आए थे और 2-2 लाख रुपये का चेक 8 लोगों को हम लोगों ने दिया। प्रशासन की तरफ से और मदद मिलने की बात है, आप लोग इसकी बात मांग कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी वहाँ पे बताया है जो और संभव मदद होगी हम लोग अभी व्यक्तिगत प्रत्येक लोगों के घर पे भी जाएंगे और जो अभी से ले के आगे तक पहले परिवार के लोगों के बीच में जानेंगे कि क्या है, किसके यहाँ अभी कोई कमाने वाला है या किस तरीके की, जो भी होगा सरकार हमारी हर तरह संभव मदद आगे भी करेगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।